शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बहुत अधूरे काम करने बाकी है, अभी पूरे परिवार को जोड़ना है। अरे बड़की दीदी, आप इस स्टूल पे मत चढ़िए, ये हिल डोल रहा है, गिर जाएगा। लाइए हम चला देते। नहीं, ये फूलों की झालर हम खुद सजाएंगे। तुम एक काम करो, जाके दूसरा स्टूल ले आओ, जाओ। जी जी। हम नहीं होंगे तो ताऊ जी के पास एक बेटी तो होनी चाहिए। स्वीटी और ताऊ जी के बीच सब ठीक करना होगा। स्वीटी, सारा सुनो तो। बोलो। ये फूलों की झालर जरा ऊपर टांग दो ना, वो हमारा कंधा बहुत दुख रहा है। अब ऐसे मुंह क्या बना रही हो स्वीटी? बंटी तो तुम्हारा भी भाई है ना। चलो थोड़ा सा हाथ बटा दो। लो। कौन बोलता है तुमको इतना काम फैलाने को? हाँ कर दो, जाओ। भगवान करे हम जो करने जा रहे हैं वो सही हो। आंखें बेच के काम करती हो का? कौन कहा तुमको ऊपर चढ़ने के लिए? गिर जाती तो डॉक्टर ने मना किया है ना तुमको? ले जरा सा धपट दिए तो रोना शुरू। नहीं पापा, आज पहली बार आपका डांटना हमें अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। फिर से डांटिए ना पापा, डांटिए। हमको ना आपकी चिंता दिखाई दे रही है इसमें। चिंता है तभी तो गलत काम करने से मना करते हैं तुमको। अब लेके आ रहता है। स्वीटी गिर जाती ना काट के फेंक देते तुमको। बड़के बाबू, हमने बड़की दीदी को बोला था, वो स्टूल टूटा हुआ है, लेकिन उन्होंने मानी नहीं और हमको दूसरा स्टूल लाने के लिए भेज दी। चलो यार काम करो अपना यार। देखिए पापा, दीदी को पता था, वो जानबूझ के जिद करके हमको चढ़ा दी। बोली कि उसके कंधे में दर्द है। मतलब वो चाहती थी कि हम गिर जाएं। हम जानते हैं वो क्या चाहती थी। बाप बेटी के रिश्ते को उठाना चाहती थी वो। सोचती हम कुछ समझते ही नहीं। हम समझे नहीं। यही जो श्रवणी कर रही है। नौकरों ने हमको बताया कि स्वीटी को स्टूल पे चढ़ने के लिए श्रवणी ने कहा था। वो क्यों कहेगी?
हमको और स्वेटी को करीब लाने के लिए और किस लिए? श्रवणी को पता नहीं कहाँ हो गया, पहले बंटी की शादी के लिए मना लिया, अब हमारे और स्वेटी के बीच सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रही है। और उसकी वो बात कि कल से शिवांश और उसके रिश्ते पे कोई सवाल नहीं उठाएगा। श्रवणी को कहीं जाने की बहुत जल्दी है और वो जाने से पहले सब कुछ ठीक करना चाहती है। आप कुछ ज्यादा सोच रहे हैं। नहीं चंद्रा, कल रात हमने कुछ ऐसा सुना जो बहुत अजीब था, बहुत अजीब। भानु जी को जरा सी भी भनक लग गई कि श्रवणी क्या करने जा रही है तो हमारी लंका लुट जाएगी, वो बात की तह तक जाएंगे और हमारा सारा खेल बिगड़ जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, बस उसे लगता है कि वो आपको मना लेगी। आप भोले हैं ना, आप नहीं समझते हैं कि आप उसके हुकुम का इक्का है। अब डॉक्टरेट की पढ़ाई करनी है तो फीस शिवांश थोड़ी ना भरेगा, बटुआ तो आपका ही चाहिए ना, खुद की सांठ गांठ बिठा रही है बस। चंद्रा, हम नहीं मानते, बात कुछ और है चंद्रा। हमारा दिल कह रहा है मरने जा रही है, लेकिन हमारा खून सुखा के मरेगी, मरे तो पिंड छूटे और फिर हम अपनी हवेली पर राज कर सकें। पता नहीं इन सबकी आंखों पे पट्टी पड़ी हुई है। ये श्रवणी पता नहीं कैसे अपनी सारी बातें मनवा लेती है, अब भानु जी को शादी के लिए भी मनवा लिया। मना लो जलसा, रचा लो वेदी, कल तो सोग ही होगा बड़के ठाकुर का सोग। आप जो चाहते हैं वो हो नहीं सकता। क्या आपको हमारे इस रिश्ते से आजादी चाहिए ना, तो हम नहीं छोड़ेंगे आपको। शिवांश, हम एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते, और अब तुम्हारी ये बदले की कहानी भी खत्म हो गई। फिर हर कहानी को खत्म करने के लिए जल्दी मत कीजिए। हमारा मतलब है कि अब बहुत देर हो चुकी है, ये रिश्ता बहुत उलझ चुका है, और वैसे भी हमारी बहन है आपके घर, और कौन जाने कि हमारे अलग होने के बाद आपका भाई हमारी बहन के साथ क्या करे। मासूम श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।